स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पड़ाव की रसोई में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हम दही बड़े कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने ले ली है ये हरी साबुत मूंग, उसको मैंने भिगो दिया है 7 से 8 घंटे के लिए। फिर मैंने इसे मिक्सी में पीस लिया है और पीसते समय मैंने इसमें सेंधा नमक और हरी मिर्च डाल ली है, तो इसे अच्छे से फेंट लिया है मैंने। उसके बाद हम इसे करेंगे डीप फ्राई। डीप फ्राई करने के लिए सरसों के तेल में का ही मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ। तो जब ये दही बड़े हमारे बड़े जब हमारे बन के तैयार हो जाएंगे, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तो निकाल देंगे। निकालने के बाद हम इन्हें डाल देंगे पानी में, जिससे कि सारा ऑयल निकल जाए। तो उसके बाद फिर हम दही तैयार कर लेंगे। दही में मैंने जैसे दही ली है उसमें मैंने सेंधा नमक यूज किया है। उसके बाद मैंने इसमें जीरा पाउडर यूज कर लिया है। जीरा पाउडर यूज करने के बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा काला नमक टेस्ट के लिए। और फिर जाके जो दही बड़े हमने पानी में डाले थे वो पानी से निकाल के हमने दही में ऐड कर दिए हैं। और कम से कम आधा घंटे के लिए हम इन्हें दही में भिगोने के लिए छोड़ देंगे। और ऊपर से मैंने इसमें जीरा पाउडर और हरी चटनी डाल दी है। तो फ्रेंड आप मेरे को बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।